गुड मॉर्निंग गाइस, सरोश नगर के एक और बेहतरीन व्लॉग में आपका स्वागत है। कहीं पे भी चले जाना, किसी का भी व्लॉग देख लेना, बट आज का व्लॉग सीरियसली आपके दिल को छू जाएगा। जो कंटेंट होता है ना, हमेशा मेरा ट्राई रहता है कि यूजफुल कंटेंट हो, जो आप लोग पसंद करो, जिसको देख के आपका मन खुश हो जाए और आपका भी मन करे कि हम सरोश नगर जाके शॉपिंग करें। सरोश नगर जाने के लिए बहुत ही इजी सा वे है, आप बाय मेट्रो जा सकते हो। मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 1 है, वहां से एग्जिट करना है। उसके एग्जिट करते ही आपको सामने गेट नंबर 3 नजर आएगा, जहां से आपको एंट्री लेन। दो ही लेन मुझे सबसे ज्यादा फेमस लगती है, एक एक्सपोर्ट लेन, एक सब्जी मंडी वाली लेन, और एक और हाँ बिक्सी वाली लाइन, जहां पे आपको काफी ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव स्टफ मिल जाता है। काफी दिन से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम कुर्तियां दिखाओ, तो ये वाली जो कुर्तियां थी ना, इस तरीके की कुर्तियां आपको गेट नंबर 2A के पास मिल जाएंगी 350 रुपीज की रेंज में। गेट नंबर 3 से आप जब स्ट्रेट आओगे सब्जी मंडी वाली लाइन में, तो शॉप नंबर 118 पड़ती है, उसके अपोजिट भी थी। इन वाले भैया के पास समर और विंटर दोनों का ही कलेक्शन था। काफी लोगों को ना इस टाइम पे इंटरेस्ट है विंटर के कलेक्शन के साथ साथ समर के कलेक्शन में भी, तो आज की वीडियो में हम दोनों ही कलेक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। कौन सी चीज कहाँ पे कितने पे मिल जाएगी वो मैं आपको बताऊंगी। ये शॉप नंबर 119 है, जिसमें आपको लॉन्ग कोट मिल जाएंगी 500-600 रुपए की रेंज में, 350 रुपीज की रेंज में आपको डेनिम की जैकेट मिल जाती है। अब बात रहती है कि क्वालिटी कैसी होती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो अपनी वीडियोस डालते हैं फ्रिक्वेंटली, वो बताते हैं कि यहाँ पे इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी, इतने में मिल जाएगी, आइए सरोज नगर आइए शॉपिंग करिए। बट उसके साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एक तो जिनको भीड़ से फोबिया है, जिनका मन घबराता है, जिनको भीड़ पसंद नहीं है, वो बिल्कुल ना आए, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम भीड़ चल रही है इस टाइम पे। और रही बात चीज़ों की, तो आपको चीज़ें छांटनी पड़ेंगी। क्वालिटी आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपको अट्रैक्टिव रिंग का शौक है 50-100 रुपीज की रेंज में कुछ अच्छा ट्राई करना है, तो सब्जी मंडी वाली लाइन में शॉप नंबर 119 के बाहर, जिस शॉप के अंदर मैं आपको जैकेट दिखा रही थी ना, उसी शॉप के बाहर एक भैया खड़े थे और उनके पास बहुत अलग अलग तरीके के रिंग थी। कुछ फैंसी थी, कुछ स्टोन में थी, लड़कों का भी कलेक्शन था। देखिए, लड़कों का आजकल इस तरीके की रिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो आप रिंग्स वगैरह खरीद सकते हो। शॉप नंबर 194 पे भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। इनके पास जो जैकेट्स थी, स्पेशली जो वर्सेटाइल और जो आपकी कोरियन जैकेट्स रहती है, वो 1000 रुपीज की रेंज में थी। अब बात करते हैं कि शॉप नंबर 194 कहाँ पे पड़ेगा। शॉप नंबर 194 पड़ेगा एक्सपोर्ट लेन में, थर्ड शॉप। एक्सपोर्ट लेन तक सबसे ईजी वे जो है ना पहुँचने का, वो है गेट नंबर 3 से एंट्री लो, राइट आओ, जो फर्स्ट रो है वही एक्सपोर्ट लेन है। और साइड में ना कॉर्नर पे आपको शॉप नंबर 196 का भी बोर्ड नज़र आ जाएगा, उसी लाइन में ये वाली शॉप है। 700 रुपीज़ की रेंज में आपको जिम वेयर मिल जाएंगे, 1000 रुपीज़ की रेंज में कोरियन जैकेट थी। ये वाली जो जैकेट थी रेड वाली, ये 500 रुपीज़ की रेंज में थी, इसमें भी काफ़ी अच्छे कलर ऑप्शंस थे। शॉप नंबर 194 के बाहर ही एक रिंग थी जिसपे वेलवेट की ट्राउज़र थी। अब मुझे नहीं पता आपको कैमरे में कितनी ज़्यादा सोबर नज़र आ रही है, कितनी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, बट टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने अपनी लाइव आँखों से देखा तो कुछ कुछ जो ट्राउज़र थी काफ़ी अच्छी थी, कुछ कुछ इतनी थर्ड क्लास थी कि मतलब आप सोचोगे यार मैं कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके का मटेरियल आपको ना जगह जगह मार्केट में देखने को मिलेगा। सरोजनी नगर की वीडियोस बनाने का मेरा मोटिव ये होता है, टू बी ऑनेस्ट फ्रेंकली स्पीकिंग, कि आप लोगों को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपको रियलिटी दिखाए। आप लोग दूर से भी आओगे, आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, तो आप दो गालियाँ हम लोगों को ही दोगे कि यार वीडियो में तो इतना अच्छा अच्छा था, हम गए तो कुछ भी अच्छा नहीं मिला। तो वो सारी चीज़ें ना मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी मिल सकती है, अच्छी चीज़ें ढूंढने के क्या तरीके हैं, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, किस वक्त आपको जाना चाहिए। बट आप लोग स्किप करके वीडियोस देखते हो, तो जो टिप्स होती हैं वो क्या होती है, स्किप हो जाती है, फिर आपको पता नहीं चल पाता है। शॉप नंबर 194 पे कलेक्शन नो डाउट बहुत अच्छा है, और सामने देखिए ज़्यादा दूर भी नहीं है, जैसे ही रो स्टार्ट होती है ना थर्ड शॉप पड़ती है। 700 रुपीज़ की रेंज में आपको काफ़ी अट्रैक्टिव ड्रेसेस मिल जाती है। कोड सेट आपको 500 रुपीज़ की रेंज में मिल जाते हैं। 600 रुपीज़ की रेंज में इस तरीके की जैकेट आपको देखने को मिल जाएगी। इस वाली शॉप का जो मुझे एक चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये लोग ना ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते हैं,
इनके ऑलमोस्ट फिक्स प्राइस होते हैं, थोड़ा बहुत कम करते हैं 50-100 रुपए। तो अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो आप ये बात समझ लेना कि आपको 500-600 रुपए में नई फ्रेश जैकेट मिलेगी। अब ये ऊपर वाली जितनी भी जैकेट थी ना काफी अच्छी थी, स्टफ बहुत बढ़िया था, क्वालिटी नंबर वन थी, मतलब आप छुओगे ना आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छी क्वालिटी थी। प्राइस भी उसी हिसाब से था, 500 रुपीज़ इनका प्राइस था, कोई भी जैकेट लो 500 रुपीज़ की रेंज में थी। जैसे कोका कोला ग्रीन और रेड कलर की जो आपको ऊपर ड्रेसेस दिखी थी वो 700 रुपीज़ में थी। एक्सपोर लेन में जगह जगह आपको रिंग्स नज़र आएंगी, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक्सपोर्ट लेन में बहुत रिंग्स रहती हैं, काफ़ी अच्छा स्टफ रहता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह ना आपको बेकार स्टफ भी देखने को मिलेगा, और मुझे समझ नहीं आता कि कौन लोग इनको खरीदता, और ये लोग क्या सेंस है कि ये लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए बाहर इस तरीके की रिंग लगाते। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है रोड, क्योंकि देखिए आप खुद देखिए मटेरियल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट कुछ कुछ पीस 100 रुपीज़ की रेंज में भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो अगर आप रिंग पे अपना टाइम लगा रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि पूरी रिंग ख़त्म करके ही वहाँ से आगे बढ़ना। शॉप नंबर 194 पे ऊपर वाली जो ग्रीन और रेड ड्रेस थी वो 700 रुपीज़ की रेंज में थी। ये पिंक जो ज़ारा की डूप है ना, ये सब आपको 600-700 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगे। ये वाली पिंक ड्रेस भैया ने 750 की बोली थी, इसमें नंबर ऑफ कलर्स अवेलेबल थे। तो ड्रेसेस वगैरह के आपको बहुत सारे ऑप्शन एक्सपोर्ट लेन में देखने को मिल जाते हैं, और आजकल ये वाली शर्ट भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। 500 रुपीज़ इन्होंने इनका प्राइस बोला, जो कि मुझे हल्का सा ज़्यादा लगा था। अगर आपको सेम शर्ट या फिर सेम ड्रेसेस चाहिए तो आप शॉप नंबर 198 एक्सपोर्ट लेन में ही है, गुडाउन के नाम से फेमस है। शॉप नंबर 125A आकृति की शॉप, उसके जस्ट अपोजिट पड़ती है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। बाकी इन सब स्वेटर्स का जैकेट का प्राइस मैं आपको बता चुकी हूँ, 500 रुपीज़ है। काफ़ी अच्छा स्टफ था, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आपको भी अपने लिए कुछ इस तरीके का घर पे पहनने का बाहर पहनने का चाहिए तो आप ज़रूर एक्सपोर्ट लेन कवर करना। एक्सपोर्ट लेन में मोस्टली आपको वेस्टर्न ड्रेसेस, स्वेटर्स, हुडीज वगैरह देखने को मिलेंगे। शॉप नंबर 103 मैंने इसलिए कवर करी, बहुत सारे लोगों की बहुत दिन से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ बच्चों के कपड़े दिखाओ। तो मैंने सोचा जब मैं सबके इतने कमेंट्स को इतना सीरियसली लेती हूँ और उसी स्टफ़ को कवर करती हूँ, तो मैं एक अच्छी शॉप कवर करूँगी बच्चों के कपड़ों की, जो आपको सीरियसली लगेगा कि हाँ आपने एफर्ट्स करी, आपने हमें अच्छा स्टफ़ दिखाया। रही बात प्राइस की, मुझे इनके प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगे, काफ़ी रीज़नेबल थे। कोई 350, कोई 500, मतलब 500-600 रुपीज़ में ना आपको एक स्मार्ट हुडी मिल जाएगी, स्मार्ट जैकेट मिल जाएंगी, ड्रेसेस मिल जाएंगी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनका स्टफ़ था। मैंने शॉप से भी शॉपिंग करी और शॉप पे इतना थर्ड क्लास मटेरियल रहता है ना 400-500 रुपए की रेंज में, तो मुझे इनका स्टफ़ जो था मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। 150 रुपीज़ की रेंज में आपको मफलर कम स्टोल मिल जाएंगे। हर एक शॉप के बाहर दो तो तीन तीन शॉप छोड़ के ना इस तरीके के रिंग आपको नज़र आएंगी, जिसमें मल्टीपल वेराइटी होती है स्टोल्स की, मफलर्स की और स्कार्फ्स की। इसमें क्या रहता है ना, वैरायटी जो स्टफ़ की जो वैरायटी होती है ना वो भी अलग अलग होती है, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीज़ें ले सकते हो। शॉप नंबर 106 का भी कलेक्शन बहुत अच्छा था। पूरी ही जो एक्सपोर्ट लेन है ना, अगर आप टाइम लगा के पूरी शॉप्स को कवर करोगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हर एक शॉप पे आपको यूनिक कलेक्शन देखने को मिलेगा। ब्लेज़र्स वगैरह आपको 500 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगे। ब्लेज़र एक ऐसी चीज़ है जो सर्दियों में हर कोई अपने कलेक्शन में एक बढ़िया सा ब्लेज़र रखना चाहता है। तो अगर आपको स्कर्ट्स ब्लेज़र चाहिए तो आप शॉप नंबर 106 पे जाना, जिस पे आपको फॉर्मल ट्राउज़र 250 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगी। 450 रुपीज़ की रेंज में आपको वेलवेट की शर्ट मिल जाएंगी। 200 रुपीज़ की रेंज में आपको मिनी स्कर्ट्स मिल जाएंगी, वुलन की और जो समर की मिनी स्कर्ट रहती है, दोनों का ही कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में जो आपका विंटर वेयर का स्टफ़ था वो भी काफ़ी अच्छा था। 450 रुपीज़ की रेंज में आपको स्वेटर्स मिल जाएंगे, सॉलिड स्वेटर आपको 250 रुपीज़ की रेंज में मिलेंगे। चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ेंगी, ऐसे गठरियों में होती है, आपको इनको बोलना पड़ेगा कि भैया मुझे ये पसंद नहीं आया, आप ये वाला स्वेटर निकाल के दिखाओ। और सीरियसली जब वो नीचे से स्वेटर निकाल के लाते हैं ना, तो बहुत अच्छे स्वेटर्स होते हैं, क्योंकि डिस्प्ले पे जितना भी अच्छा मटेरियल होता है ना वो अर्ली मॉर्निंग 10-11 बजे के बीच में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो लोग दूर से आते हैं ना
उनका ट्राई रहता है कि हम जल्दी आएँ, जल्दी जल्दी शॉपिंग करें। 11-12 बजे के बाद यहाँ पे रश ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, स्टफ सारा छट चुका होता है। तो अगर आपको भी स्मार्ट शॉपिंग करनी है, कुछ स्मार्ट पीसेस को एक्सप्लोर करना है, तो आप थोड़ा सा जल्दी आना, टाइम को देखते हुए यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। जैसे जैसे लेट करोगे वैसे वैसे सामान छटता चलाया जाएगा, क्योंकि ये ना दिन के स्टार्टिंग में ही सारा अच्छा मटेरियल ऊपर की तरफ लगा देते, उसके बाद तो फिर जो शॉप में बचता है उसी को चलाते हैं। 150 रुपीज़ की रेंज में आपको सेम लेन में, एक्सपोर्ट लेन में, PNB बैंक के सामने, PNB बैंक का जो ATM है ना उसके सामने, सॉरी, आपको 150 रुपीज़ में वाइट जो टॉप रहे थे वो आपको मिल जाएंगे। कॉटन के, मोस्टली तो कॉटन के ही थे, बीच बीच में शर्ट्स भी थी। तो अगर आप किसी शॉप पे समर्स में वाइट के टॉप देखते ना, इतने अच्छे डिज़ाइन थे, उनके कंपैरिजन में मुझे रिंग में एक भी डिज़ाइन ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। बट फिर भी कोई ऑफिस गोइंग है, किसी को प्लेन टॉप चाहिए, प्लेन शर्ट चाहिए, तो नो डाउट इस टाइम पे भी आपको सरोज नगर में वैरायटी देखने को मिल जाएगी। एक ये वाली शर्ट थी जो मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी, थोड़ी अलग सी लगी थी, बाकी तो सब वाइट वाइट प्लेन वाइट थे। शॉप नंबर 103 ए के भारी, ये वही वाली शॉप है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। 100 रुपीज़ की रेंज में आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाता है। शॉप नंबर 196 और शॉप नंबर 103A दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों ही बहुत अच्छी शॉप है। स्पेशली शॉप नंबर 103A मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि पूरी शॉप पे हर एक एज ग्रुप के बच्चों के कपड़े हैं। जेंडर कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का स्टफ बहुत अच्छा था। बाहर की तरफ 100 रुपीज़ की रेंज में आपको नॉर्मल घर में पहनने वाले कपड़े मिल जाएंगे। अंदर की तरफ जाओगे तो आने जाने वाले या फिर 100-185 रुपीज़ की रेंज के आपको स्वेटर्स मिल जाएंगे। अगर बच्चों की एज की बात करूँ तो 6 महीने से लेके आपको 14-15 साल के बच्चों तक के कपड़े बहुत ईजिली मिल जाते हैं। इनके पास जो वैरायटी होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। बहुत भीड़ लगी होती है इस वाली शॉप पे, आप कभी भी चले जाओ। बाहर की तरफ आपको ना 150 रुपीज़ की रेंज में बच्चों के जो ट्राउज़र्स होते हैं वो मिल जाएंगे। शर्ट्स वगैरह जो आप आगे की तरफ देख रहे हो या फिर जो स्वेट शर्ट स्वेटर्स है वो सब 185 रुपीज़ की रेंज में, कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा इनका स्टफ था, प्योर वुलन की थी, बच्चों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और उनके लिए आपको सरोज नगर से शॉपिंग करनी है, साथ ही में अपने लिए शॉपिंग करनी है, तो सरोज नगर परफेक्ट प्लेस है, जहाँ पे हर एक एज ग्रुप के बच्चों के कपड़े मिल जाते हैं, बड़ों के कपड़े मिल जाते हैं, और चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों का ही स्टफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर लड़कों को अपने लिए शॉपिंग करनी है तो वो बिक्सी वाली लाइन ट्राई करना, वहाँ पे आपको चीज़ें पसंद आएंगी। 100 रुपीज़ की रेंज में आपको बच्चों के समर्स के भी कपड़े मिल जाते हैं। ये वाली टी शर्ट काफ़ी अच्छी थी, टी शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स, स्वेटर्स, शर्ट्स आपको सारी ही बहुत अच्छी नज़र आएंगी। शॉप के अंदर अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो स्वेट शर्ट आपको 250 रुपीज़ की रेंज में मिलेंगी, बट स्वेट शर्ट सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। बच्चों की जो पजामे वगैरह थी, यूनाइटेड बेनेटन या फिर जो नॉर्मली ब्रांड होते हैं ना, जो मार्केट में ज़्यादा चलते हैं, वो सब ब्रांड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो बच्चों की स्वेट शर्ट थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 350 रुपीज़ की रेंज में आपको काफ़ी अच्छी ड्रेसेस मिल जाती है। ये वाली जो थी वो 250 रुपीज़ की रेंज में थी, 250-350-400 रुपये, ये कुछ इस तरीके का सेगमेंट है इनके पास, जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्प्ले लगा के रखा है, काफ़ी अच्छी वैरायटी लगा के रखी है। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को शिकायत नहीं होगी मेरे से कि मैं बच्चों के कपड़े नहीं दिखाती हूँ। मैंने अपनी तरफ से फुल्ली ट्राई करा कि मैं आपके लिए एक स्पेशल कलेक्शन लेके आऊँ, ताकि जो आप इतना लंबा वेट कर रहे हो, आपका पूरा का पूरा वेट मेरी एक वीडियो कवर कर दे। बाकी देखिए, वेलवेट में भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे। बाकी तो जब आप शॉप पे जाओगे, विज़िट करोगे, आप मुझे अपने जो जेन्युइन रिव्यूज़ होते हैं प्लीज़ वो शेयर किया करो। अगर कोई भी मेरी वीडियो देख के मार्केट जाता है और वो किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करता है, उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है, अगर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट टाइम जो प्रॉब्लम आपने फेस करी होगी मैं उनका सॉल्यूशन आपको बताने का ट्राई करूँगी। बाकी तो बच्चों के कपड़ों में आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी मैंने आपको दिखाई है, नंबर ऑफ ऑप्शन थे, चाहे वो हुडीज हो, चाहे वो बच्चों की शर्ट हो, स्वेट शर्ट हो या फिर लोअर हो। शॉप नंबर 194 पे आपको लड़कों की जैकेट्स भी मिल जाएंगी, उसमें लड़कों की जो जैकेट थी ना, ज़्यादातर आपको कोरियन जैकेट देखने को मिलेगी। ये भी काफ़ी अच्छी शॉप है, इस पर जो ऑप्शन होते हैं ना वो काफ़ी स्मार्ट होते हैं,
स्पेशली जो कॉपी होती है ना वो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिलती है। और सरोज नगर ना अपने स्टफ़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे लोगों का मानना है, स्पेशली दिल्ली NCR और दिल्ली के लोगों का, कि सरोज नगर में लड़कियों का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है, स्पेशली जो ड्रेसेस वगैरह होती है उनका कोई मुकाबला नहीं है। और इस बात में कोई भी दोराय ही नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें सस्ती नहीं मिलती, नो डाउट बहुत अच्छी मिलती, बट यहाँ पे सबसे बड़ा कैच ये है कि आपको लोकेशन का पता होना चाहिए, आपको शॉप्स का पता होना चाहिए, आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए। 150 रुपीज़ में जगह जगह आपको रिंग देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे स्वेटर्स मिल जाते हैं। स्पेशली जो घर पर पहनने वाले स्वेटर्स होते हैं ना, वो तो यहाँ पे इजीली आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको अपने लिए कुछ भी अट्रैक्टिव ख़रीदना है तो प्लीज़ एक्सपोर्ट लेन में बने रहे, उसी की शॉप्स को ट्राई करें, आपको काफ़ी अच्छा स्टफ़ मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, एक लोग की शॉप ऐसी जिस पे आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो है शॉप नंबर 198। हर एक वीडियो में इस वाली शॉप को मैं बताती हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग दूर से आते हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आती, लोकेशन समझ नहीं आती, या फिर वो स्टफ़ को उस हिसाब से फाइंड आउट नहीं कर पाते जिस हिसाब से वो लेना चाहते हैं। बट मुझे पता है शॉप नंबर 198 की दोनों शॉप्स पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन रहता है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है वेस्टर्न वियर में जो उन शॉप्स पे ना मिले। बाथरोब से लेके मिनी स्कर्ट्स, स्कर्ट्स, पफ वाली जैकेट, लाइट वेट जैकेट, डेनिम की जैकेट, कार्डिगन, फैंसी कार्डिगन, क्रॉस में कार्डिगन, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। बस आपको करना क्या है, आपको शॉप तक पहुंचना है। शॉप तक आप कैसे पहुंचोगे? गेट नंबर 3 से एंट्री करके राइट आना है, एक्सपोर्ट लेन में सीधा सीधा जो जाओगे ना और साफ स्क्वायर की तरफ बढ़ते चले जाओगे तो आकृति वाली की शॉप आएगी। उसके अपोजिट में एक बरगद का पेड़ है, और उस बरगद के पेड़ के जस्ट नीचे ही आपको शॉप नंबर 198 पता चल जाएगी, या फिर आप किसी से इजीली पूछ सकते हो कि मुझे गोडाउन जाना है कहाँ पे। ग्रेफिटी लेन को जैसे आप क्रॉस करोगे ना, ग्रेफिटी लेन की तरफ जाना नहीं है, ग्रेफिटी लेन कुछ नहीं है, पहले एक गेट था, उसमें आपको कम से कम 10-12 फुट लंबी एक लाइन है, वहाँ पे कलेक्शन लगता था, बट अब वो बंद हो गया। शॉप नंबर अगर मैं बताऊँ तो ऑलमोस्ट मैंने आपको हर एक शॉप नंबर के बारे में बताया है। ये वाली जो शॉप थी वो मॉडर्नी और इंसेंस का जो शोरूम है उसके जस्ट अपोजिट में थी, काफ़ी अच्छी शॉप थी जिसपे 200 रुपये की सेल चल रही थी, बाहर की तरफ 350 रुपीज़ की सेल थी। अंदर की स्टफ़ की बात करूँ, काफ़ी अच्छा स्टफ़ था, बट जो ये स्वेटर्स थे ना वो थोड़े लंबे स्वेटर्स थे, तो अगर आपको लंबे स्वेटर्स पहनने हैं बेल्ट के साथ तो आप 200 के स्वेटर्स यहाँ पे ढूंढ सकते हो। काफ़ी अच्छे आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे, पैटर्न्स मिल जाएंगे, प्लेन सॉलिड डिज़ाइन में, जिग जैक में, स्ट्रैप में, हर तरीके के ऑप्शन इस वाली शॉप पे लगे हुए थे। सरोज नगर सही टाइम क्या है आने का, वो है सुबह का 10:30। वीकडेज में आओ, वीकेंड पे बहुत रश होता है, कॉलेज के बच्चों की छुट्टियां होती हैं, नॉर्मल जो लोग वर्किंग होते हैं उनको जो छुट्टियां मिलती हैं वो भी सैटरडे संडे मिलती है। मोस्टली चीज़ें आपको ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, बस एक टाइम का एक पिच रहता है जो आपको पता होना चाहिए, वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। फिर भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। आप लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने के लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। कुछ भी प्रॉब्लम रहती है कमेंट करिए, पूछिए, किसी को कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। बट आप लोगों से एक छोटी सी उम्मीद रहती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पसंद आती है तो लाइक करके अपना कमेंट जो है ना वो ज़रूर ड्रॉप करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट टाइम आपको क्या देखना है, किस तरीके का स्टफ़ मैं आपको दिखाऊँ। ओवरऑल जो मैंने आपको पूरी शॉप में चीज़ें दिखाई वो सब 200 रुपये की रेंज में थी। जब बात आती है ना क्वालिटी की, क्वालिटी ढूंढना सरोज नगर में आपके हाथ में है, रही बात रीज़नेबल प्राइस की वो भी आपके हाथ में है। वो कैसे, आप जितने अच्छे से इनके साथ बार्गेनिंग करोगे ना आपको उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलेंगी, उतने ही सस्ते प्राइस पे मिलेंगी। आज की वीडियो में मैंने बहुत सारी शॉप दिखाई जिस पे बहुत अच्छा कंटेंट था। अगर आप अपने लिए स्मार्ट शॉपिंग करना चाहते हो तो आपको स्मार्टली सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से क्या चीज़ें लेनी है। अगर आपको अपने लिए कुर्ती वगैरह लेनी है सब्जी मंडी वाली लाइन में जाइए, वेस्टर्न ड्रेसेस लेनी है एक्सपोर्ट लेन में आइए, प्रीमियम बैग लेने हैं तो शॉप नंबर 173 बिक्सी वाली लाइन में जाइए, लड़कों का जो स्टफ़ है वो भी बिक्सी वाली लाइन में ज़्यादा है। तो मैं हर एक लेन के बारे में बताती हूँ, फुल डिटेलिंग के साथ बताती हूँ,
तो आप लोगों से भी थोड़ी सी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जितने भी आपके नियर एंड डियर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर करेंगे। बाकी मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि एक ऐसा कलेक्शन आप लोगों को दिखाऊँ जो आपको मोटिवेट करे यहाँ से शॉपिंग करने के लिए, दिल्ली घूमने के लिए।